तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज है, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको लेंज लॉ बता दिया था कि लेंज लॉ क्या होता है ना। बेटा, चर्चा हमने शुरू करी थी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकालना है, क्या उसका यूज है, सारी बातें मैंने आपको पहली वीडियो में बताई। उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि लेंज लॉ क्या होता है। मैंने आपको ये बात बताया था बेटा कि जब किसी लूप में कोई कंडक्टिंग लूप हो और उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स को जब चेंज किया जाता है तो उससे क्या पैदा हो जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है, उससे एक इंड्यूस करंट आता है। तो उस करंट की मैं आपको बताया था कि बेटा मेरे सामने दो क्वेश्चन है कि वो करंट की डायरेक्शन क्या है, उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। ये दो क्वेश्चन थे, एक तो उस करंट की डायरेक्शन क्या है, एक उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो वो डायरेक्शन वाला जो पार्ट था, लेंज़ लॉ वाला जो पार्ट था, वो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। और आज हम बात करेंगे कि वो करंट आता कितना है, कि वो करंट आता कितना है। बेटा सुनिए, अब जरा ध्यान से, बहुत प्यार से, एकदम आराम से, मैं तो कहता हूं बहुत आसान चर्चा है, उसमें कुछ फालतू टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सुनो जरा ध्यान से। तो जब किसी लूप को, बेटा किसी कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप चेंजेस, देन क्या होता है, मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूं आपको एकदम। देखो सुनो, होता क्या है कि जब वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब वो चेंज करता है तो उससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द लूप वो चेंज करती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द लूप चेंज करती है। एनर्जी चेंज होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट पैदा होता है। क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। अब वो करंट की दिशा क्या है, उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, दिशा वाली बात हम कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड वाली बात हम करेंगे। तो करंट का, वो जो करंट पैदा हुआ है जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं, उस करंट का मैग्नीट्यूड हमें कौन बताता है, उस करंट का मैग्नीट्यूड हमें बताता है फैराडेज लॉ। कौन बताता है बेटा, फैराडेज लॉ। सुने जरा ध्यान से, आ जाओ सुनो, देखो जरा ध्यान से। तो मैं बात करूंगा आपके साथ फैराडेज लॉ की, इसकी बात करूंगा बेटा, फैराडेज लॉ की बात करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये मेरे घर की ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैंने नहीं बनाई, फैराडे ने करा था। देखो सुनो जरा ध्यान से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सुनो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सुने भाई, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम फालतू टाइम पास। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में ऐसे एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। इसका क्या मतलब है, इनटू द पेपर वाला मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द पेपर वाला मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भाई, मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां पर दो लूप रख दिए, ठीक है। मैंने क्या करा, यहां पर ऐसे दो लूप रख दिए, अलग अलग मटेरियल के दो लूप हैं, ठीक है। क्या है, अलग अलग मटेरियल के दो लूप हैं। मैंने बोला कि इसकी रेडियस बोल दीजिए आप कैपिटल आर वन है, इसकी रेडियस मैंने बोला कि बोल दीजिए मान लीजिए कैपिटल आर टू है। मैंने कहा ठीक भाई, मैंने बोला कि मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर वन ओम। क्या है, आर वन ओम, छोटा आर वन बोल दिया मैंने, ठीक है, छोटा आर और वन, आर वन ओम, ठीक है। उसी तरह से इसका जो रेजिस्टेंस है बोला गया आर टू ओम, कितना गया, आर टू ओम। और बोला गया कि बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है। तो बताओ, अगर तुमने लेंज लॉ वाली वीडियो देखी है तो दोनों में करंट कैसा कैसा आएगा, बोलो क्या डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, चलो बताओ। मैं ऐसा कर रहा हूं, तुमने दिमाग में सोच लिया एक बार, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। तो बेटा मैंने क्या देखा कि अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, और मुझे क्या करना है, इस बढ़त को ही रोकना है, ठीक है। अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, उस बढ़त को मुझे रोकना है। तो कैसा आना पड़ेगा करंट, कैसा आना पड़ेगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में जो करंट होगा बेटा, करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। मैंने बोला इसमें करंट आया मान लो I1, और इसमें करंट आया मान लो I2। सर दोनों में सर अलग अलग करंट क्यों आया, बेटा क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, इस लूप का मटेरियल कुछ और है, इस लूप का मटेरियल कुछ और है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। और दोनों का रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो दोनों में करंट तो अलग अलग आएगा ना यार, अरे दोनों में करंट तो अलग अलग आएगा ना। परंतु बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूं, देखो सुनो, एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि आई वन और आर वन इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू। ऐसा देखा गया कि चाहे दोनों लूप अलग अलग हैं, पर दोनों लूप में जो वोल्टेज पैदा हो रही है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो रही है, वो दोनों में सेम है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हो रहा है वो दोनों में सेम है ना, वो दोनों में सेम है। और बेटा इसे ही बोला गया ईएमएफ, क्या बोला गया इसे,
ईएमएफ, ऐसे ई से दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ईएमएफ, क्या बोलते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ का मतलब क्या होता है, सुने जरा ध्यान से, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला फैराडे ने, फैराडे ने ऐसा बोला कि भैया चाहे दोनों लूप में करंट अलग अलग है, मान गया बोला इस चीज को कि दोनों लूप में करंट अलग अलग है, पर दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दोनों में बराबर है, जो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दोनों में बराबर है। फिर फैराडे ने क्या बोला, फिर फैराडे ने बोला कि भैया ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, बोला फैराडे को पूछा ये बात कि सर बताओ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आती है, कितनी आती है, कितनी नहीं आती। तो फैराडे ने एक ही लाइन बोली, फैराडे ने एक ही लाइन बोली जो लाइन मुझे याद करनी है, ठीक है। फैराडे ने एक ही लाइन बोली, क्या बोला, क्या लाइन बोली, ऐसा बोला, ऐसा बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा भाई कैसे बोला, ऐसा बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, बस ये बोला गया। मुझे तो ये याद रखना है, बस फैराडे लॉ के नाम पे मुझे तो बस ये याद रखना है, क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और उसका माइनस। ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस करंट की दिशा को बताता है, जो कि हम लेंज लॉ से पहले ही निकालना सीख चुके हैं, है ना। ये क्या बताता है मुझे, करंट क्या, ये क्या बताता है, माइनस मुझे करंट की डायरेक्शन को बताता है, ये माइनस मुझे क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, जो कि मैं लेंज लॉ से पहले ही निकालना सीख चुका हूं। तो इस माइनस का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। अब ध्यान से देखो, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आ गई तो रेजिस्टेंस तो मेरे पास है ही ना लूप का, अरे रेजिस्टेंस तो है मेरे पास है ही लूप का, तो करंट निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंड्यूस्ड करंट होगा इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। और ये कैसे निकलेगा, डी फाई बाय डी टी। फ्लक्स लिखो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अरे फ्लक्स लिखो और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और क्या आ जाएगा उससे अपने पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। उसको रेजिस्टेंस ऑफ द लूप से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बोल पक्की बात एकदम, समझ आया ढंग से जो मैं बोला। चलो एक बार इसको नोट करो बढ़िया ढंग से, उसके बाद फिर मैं तुमको सवाल ही सवाल कराता हूँ दबा के एकदम, ठीक है। अब तो सवाल ही करने कुछ बचा ही नहीं अब इसके अंदर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर अपन सवाल करते हैं, ठीक है, करो। आओ बेटा अब कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल करते हैं, जो पिछले दिनों में जेई एडवांस में सारे सवाल पूछे गए मैं वो भी ले लूंगा, और कुछ नए सवाल भी हम लोग लेंगे, ठीक है, मजा आएगा। उसके बाद कंसेप्ट अपना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुनो क्या सवाल बोला गया, इस तरह से एक सवाल बोला गया कि मान लीजिए अपने पास इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अपने पास इस तरह से क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, है तो है, मैं क्या करूं, लो भाई मैग्नेटिक फील्ड है। फिर बोला कि इसके अंदर ना एक लूप रख दिया गया, ऐसे कंडक्टिंग लूप इसके अंदर एक ऐसे रख दिया गया, उस लूप की रेडियस है कैपिटल आर, उस लूप की रेडियस है कैपिटल आर, और उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो है स्मॉल आर, उसका रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। और बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरह से वेरी करता है, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। फिर सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, as a function of time t in the loop, ठीक है। इस तरह से सवाल बोला गया कि इसके अंदर करंट बताओ कितना इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो एक बार वीडियो को स्टॉप करो यहाँ पर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुद से कर पाएंगे, ठीक है। आंसर लिख के भाई साहब सॉल्व करके नीचे कमेंट करना है कि सर मैं इसको सॉल्व कर पाया था, सर मुझसे हो गया था, सर देखो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसा करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो मैं कराता हूँ अब एक बार, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ तुमने करा जरूर था यार एक बार, है ना। आओ देखो सुनो, तो कैसे करना है इसको, कैसे करना है भाई, सबसे पहले तो अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बेटा, सुनो वैसे फ्लक्स कितना होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दिशा एक ही है, सर एक क्यों है सर, एरिया वेक्टर सर बाहर है वो अंदर है, अरे अंदर मान ले, बता चुका हूं ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक बार चूज करनी है सवाल में,
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक बार चूज करनी है सवाल में, और फिर पूरे सवाल में उसी के साथ स्टिक करके रहना है, ठीक है। या तो आप ये चूज कर लो डायरेक्शन को, या तो आप ये चूज कर लो, दोनों ही सही मानी जाएगी। पर जो मान लो एक बार, फिर पूरे सवाल में डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं तो मान लेता हूं, मान लो अंदर है, तो अगर अंदर होती तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा यही है, एरिया वेक्टर की भी दिशा यही है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो फाइव को मैंने सीधा लिखा, क्या लिखा, बी इंटू ए, ठीक है। आगे आने वाले सारे सवालों में मैं सीधा लिख दूंगा, परेशान मत होना कि गुरु जी सीधा कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। आओ सुनो, देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, बी भी लिख सकते हैं इसके नीचे के भाई, बताने के लिए कि हाँ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी लिखो, चलो मैग्नेटिक फील्ड लिखो, कितना है, बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, और एरिया क्या है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं तो सीधा डी फाई बी बाई डीटी लिख देता हूं, ठीक है। माइनस साइन मुझे क्या बताता है, कि करंट की दिशा बताता है, वो तो देखो मैं ऐसे ही बता देता हूं, सुनो, देखो टाइम के बीतने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब कि लूप के अंदर जो फ्लक्स है वो ऐसा है और वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, और मुझे क्या करना है, इस इंक्रीज को ही रोकना है। तो करंट कैसा आ जाएगा बेटा, करंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लो दिशा पता चल गई, माइनस का खत्म हो गया सारा लफड़ा। अब यहां देखो, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ये आएगा टू और बी नॉट और टी और पाई और आर स्क्वायर, है ना। देखो करंट आया, फिर करंट कितना आया, करंट होता है ई बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो कितना आया टू बी नॉट और टी और पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय छोटा आर, दिस मच विल बी द करंट, दिस मच विल बी द करंट, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें बेटा। जानते हो कभी कभी ये सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम। ध्यान से देखो, सवाल लिख देता हूं मैं यहां पर, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम। इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है क्या, कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा भाई, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे भाई, इसके अंदर एक ईएमएफ भी है, इसके अंदर एक करंट भी है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है, तो एक सर्किट तो बनाया जा सकता है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो भी सर्किट आप बनाओगे ना, उसमें बस करंट का ध्यान रखना कि करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमे, करंट कैसा घूमे, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमे, क्लॉकवाइज मत घुमा देना, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब सुनो, देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बेटा, मैंने कहा देखो अगर मैं ऐसी बैटरी लगा दूं ईएमएफ ई की, ये ई क्या है, ये जो ई तुम निकाल चुके हो, ये ई क्या है जो ई तुम निकाल चुके हो, अब ध्यान से सुनो, उसमें रेजिस्टेंस कितना है, उसमें रेजिस्टेंस है छोटा आर, है ना, लूप का रेजिस्टेंस कितना है छोटा आर, और करंट को कैसे बहाना था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, करंट को कैसे घुमाना था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, इसीलिए बेटा मैंने ऊपर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और नीचे नेगेटिव टर्मिनल लगाया, ठीक है। और इसमें करंट क्या घूम रहा है, इसमें करंट घूम रहा है आई, इसमें करंट क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है आई, और आई की वैल्यू तुम पहले से निकाल चुके हो, ए की वैल्यू तुम पहले से निकाल चुके हो, तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, आई होप बात समझ आई होगी यार, अच्छे से पक्की बात है ना, एकदम सोच ले। चलो एक बार इसको नोट करो बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, करो। आओ बेटा देखो सुनो, और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं अपन, है ना। आओ देखो, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। सुनो, ऐसा बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से अपने पास एक है ना मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेपर वाला मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, है तो है, मैं क्या करूं, ठीक भाई, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या है, बी इज इक्वल टू बी नॉट और साथ में टी क्यू, ठीक है, बी इज इक्वल टू बी नॉट और साथ में टी क्यू। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। उसके अंदर अपन ने क्या करा, उसके अंदर अपन ने एक लूप को प्लेस कर दिया, ठीक है, उसके अंदर अपन ने क्या करा, एक लूप को प्लेस कर दिया, और लूप की रेडियस है मान लो आर, ठीक है, लूप की रेडियस मान लो आर, और लूप का जो रेडियस जो रेजिस्टेंस है ना वो है छोटा आर ओम, छोटा आर ओम। अब सवाल सुनो, देखो सवाल क्या पूछा, सवाल सुनो, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द चार्ज, फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन इन द लूप, फ्लोन इन द लूप, फ्लोन इन द लूप इन टी नॉट टाइम, इन टी नॉट टाइम। चलो भाई करो सवाल को फटाफट से, उसके बाद मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो करो एक बार, जरा वीडियो को स्टॉप करो, मम्मी का समय तुम्हारे पर नहीं करो तो बता रहा हूं मैं, जल्दी करो। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, करो सन्नाटो। कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, करा है ना तुमने,
पक्की बात एकदम। आओ देखो सुनो, अब मैं कराता हूँ, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, बढ़िया सवाल है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर यार। देखो यहाँ सुनो, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहले फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है। आप सीधा लिख रहा हूँ यार, आप देख सुन ध्यान से देखे, देख सुन। तो फाइव बी कितना आया, बी ए, बी कितना है, बी नॉट इंटू टी क्यू, और साथ में एरिया पाई, और साथ में कैपिटल आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी द फ्लक्स, ठीक है, दिस विल बी द फ्लक्स, मैंने कहा ठीक है। और ईएमएफ, अच्छा उसमें जो माइनस का साइन आता है वो क्या बताता है, करंट की दिशा बताता है। अब मुझे बताओ करंट की दिशा क्या होने वाली है। भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, वो समय के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा जो इस अंदर वाली बढ़त को रोक दे, मतलब कैसा, इस तरह का। तो जो करंट बहेगा ना आई, वो कैसा बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, कैसा बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, है ना। तो जो ईएमएफ आ गई वो क्या आई, डी फाइव बी बाय डी टी, है ना। तो ईएमएफ क्या आई, ईएमएफ आई, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आया, थ्री और बी नॉट और साथ में टी स्क्वायर और पाई और आर स्क्वायर, है ना, ये आ गया ईएमएफ, ठीक है। तो यहां से जो करंट हम निकालेंगे, करंट क्या आएगा, थ्री और बी नॉट और टी स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। याद है मैं कोई वेरिएबल छोड़ू ना यार, देखो सुनो, तो यहां से ये बना और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आर, ठीक है। सो दिस मच इज द करंट, दिस मच इज द करंट। अब बेटा सोचने वाली बात ये है कि जो करंट है ना, देखो कॉन्स्टेंट नहीं है, देखो समय के साथ साथ करंट बदल रहा है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं सीधा क्यू बाई टी करके चार्ज नहीं निकाल सकता हूं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, करंट की जगह पे डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा। और सामने तो मेरे पास करंट है ही, कितना है, थ्री और बी नॉट और टी स्क्वायर और पाई और आर स्क्वायर और नीचे छोटा आर, और नीचे छोटा आर। तो यहां से जो डी क्यू आ गया, यहां से जो डी क्यू आ गया वो कितना आया, वो आया थ्री और बी नॉट और साथ में टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय छोटा आर इंटू डी टी इंटू डी टी। तो ये तो छोटा सा चार्ज है, पूरा चार्ज निकालो तो क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं। तो लो भाई इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है ना, इंटीग्रेट तो कर दिया ना इसको। तो यहां पे अच्छे जीरो से और टी नॉट तक, है ना, और जीरो से और क्यू तक। तो कितना आया, क्यू इज इक्वल टू थ्री और बी नॉट और सुनो, देखो थोड़ा सा गलती हो गई ना यहाँ पर, देखो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जाएगा ना इसका, तो यहाँ पर आएगा ऐसे आएगा, तो कितना जाएगा ये इस तरह से। तो जो इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, कितना आया, थ्री बी नॉट और पाई और आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर और नीचे आर, और साथ में क्या आया, टी स्क्वायर और डी टी, टी स्क्वायर और डी टी, सही चल रहा है ना मामला। और जीरो से और टी नॉट तक, जीरो से और टी नॉट तक, है ना। देखो सुनो आ जाओ, तो चार्ज क्या आया, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की क्यूब बाय थ्री, तो थ्री से थ्री मर जाएगा और टी की जगह पे टी नॉट आ जाएगा, तो क्या आएगा, बी नॉट और पाई और आर स्क्वायर और टी नॉट का क्यूब और टी नॉट का क्यूब और डिवाइडेड बाय आर और डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। सो दिस मच विल बी द चार्ज फ्लो ऑन इन द लूप इन टी नॉट टाइम, इन टी नॉट टाइम। बात समझ आई है ना मेरी, अच्छे समझ आई है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, करो एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो बेटा सुनो, जरा ध्यान से देखना एक बार, जरा अच्छी चीज सुनना, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फिर तुम्हें। देखो तो बेटा, अगर ये प्रोसीजर के ऊपर अगर आप पूरा ध्यान दो, प्रोसीजर किसका था, ये हमने क्या निकाला, चार्ज क्यों निकाला, हमने क्या निकाला, चार्ज क्यों निकाला। तो इस प्रोसीजर में आप देखें तो एक बार तो फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, एक बार तो फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, फिर जो भी आया वैल्यू उसको आर से डिवाइड करके फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया, है ना, फिर क्या किया गया, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट किया गया। तो मतलब कि पूरे प्रोसीजर में एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सेम सेम सी वैल्यू आ रही है ना, एक बार तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर होनी चाहिए यार, है ना। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, आई होप तुमने ये सारा का सारा उतार लिया है। अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक बार जरा देखो, जरा एक बार सुनो, आओ बेटा देखो सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, देखो जरा सुनो। तो मैंने क्या बोला, देखो जरा सुनो एक बार जरा, तो मैंने बोला कि भाई जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ होती है डी फाई बी बाय डी टी, ठीक है, यही बोला ना बेटा। ये जो ईएमएफ है ना, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, देखो डी फाई बी बाय डी टी है ना। तो अगर मैं एवरेज अगर ईएमएफ लिखना चाहता, अगर मैं एवरेज ईएमएफ लिखना चाहता तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, कैसे, डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी, हाँ ऐसे लिखना चाहिए। तो फिर वहां से जो एवरेज करंट आता, वहां से जो एवरेज करंट आता वो क्या था, ई एवरेज
बाय उसका रेजिस्टेंस, ई एवरेज बाय लूप का रेजिस्टेंस। तो देखो जरा ध्यान से, तो आई एवरेज क्या बन जाता, आई एवरेज बन जाता, इसकी वैल्यू पुट करो तो डेल्टा फाई बी बाय आर और साथ में क्या है डेल्टा टी, तो ये हो जाता अपना आई एवरेज, ये हो जाता अपना आई एवरेज। पर करंट की जो डेफिनेशन है, पर करंट की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से मैं ये बात जानता हूं कि भाई अगर मुझे आई एवरेज लिखना है तो मैं वो ये भी लिख सकता हूं क्या, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये तो दोनों एक ही बात है भाई, आई एवरेज ही ये है और आई एवरेज ही ये है। तो इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो ध्यान से देखो क्या आता है, ये आता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाय आर टाइम्स डेल्टा टी। यही है, कुछ और है, यही है ना, दोनों को इक्वेट कर दें तो। अब ध्यान से देखो, तो डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, अरे डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, तो अपने पास देखो चार्ज फ्लोन आ गया, क्या आया चार्ज फ्लोन, डेल्टा फाई बी बाय आर रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अभी डेल्टा फाई बी क्या है वो और सुन लो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू देखो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल और डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गई आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उस पूरे प्रोसीजर को हटा के अगर ये फॉर्मूला मुझे याद होता तो मैं एक लाइन में आंसर निकालता, कैसे निकालता एक लाइन में आंसर, सुनो जरा ध्यान से। तो फाई बी मेरे पास क्या है, बी नॉट टी क्यू और पाई आर स्क्वायर, बी नॉट टी क्यू और पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल कब, जब टी की वैल्यू जीरो है, इनिशियल कब जब टी की वैल्यू जीरो है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको उसे, सुनो। तो फाई इनिशियल कब, जब टी की वैल्यू है जीरो, तो कितना आया जीरो आ गया, ठीक है, जगह जीरो पुट करोगे तो फाई भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और फाई फाइनल कब, जब टी की वैल्यू है टी नॉट, जब टी की वैल्यू है टी नॉट, जब भी मुझसे कैलकुलेट करवाए जिस भी समय पर वो मेरे लिए फाइनल वैल्यू हो जाएगी, तो टी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, टी नॉट पुट कर दूंगा। तो क्या आएगा, बी नॉट और टी नॉट क्यूब और साथ में पाई आर स्क्वायर, और साथ में पाई आर स्क्वायर। देखो आ जाओ, देखो चार स्लोन आया ना, चार स्लोन क्या आया, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, तो कितना आया, बी नॉट और टी नॉट क्यूब और पाई आर स्क्वायर माइनस जीरो और डिवाइडेड बाय आर, सो दिस मच विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज लॉन, ठीक है ना। देखो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, तो उतना बड़ा प्रोसीजर करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर फाइनल जाके आंसर आ रहा है, उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो मेरी बात समझ आई 110%। देखो एक सवाल तुम्हें और कराऊंगा ऐसा ही, ठीक है, ताकि तुम्हें फील आ जाए, शॉर्ट ट्रिक लगानी अपने को आराम से आ जाए, ठीक है। चलो इसको नोट करो एक बार, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, करो आ जाओ भाई। देखो एक सिंपल सा सवाल, बिल्कुल कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। मैंने बोला मान लो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, लो भाई इसका वेरिएशन आपको दे दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 3t², ठीक है, ऐसे वेरी करता है 3t² टकला, 3t² और टकला, टकला मतलब टेस्ला है ना, गलत मत समझना, अगर वो टकला है वो टकला नहीं है, टेस्ला है वो, टेस्ला इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सुनो, मैंने बोला इसकी जो रेडियस है ना वो है 2 मीटर, इसकी जो रेडियस है वो है 2 मीटर और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, ठीक है। तुमको बोला गया फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन इन द लूप इन टू सेकेंड्स। चलो बता दो जल्दी एकदम, बिल्कुल फालतू टाइम पास नहीं, हर एक बच्चा करते जल्दी से, आई होप तुमने कराया, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, कर रहे हो ना खुद से, यार ऐसा नहीं करना पता चले मैं पढ़ा के निकल जाऊं, वहां हो ही नहीं रहा कुछ। अरे यार अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना यार, पक्की बात एकदम, सोच ले नहीं आएगा तो भी कमेंट करके बताना है, और आएगा तो जरूर कमेंट करके बताना है कि सर बड़ा मस्त समझ आ रहा है, सर बढ़िया लग रहा है, तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ ना यार सही में अंदर से सीना से चौड़ा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है एकदम कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आओ सुनो जरा, देखो तो क्या बोला मैं, चलो आ जाओ, तो पहले फ्लक्स लिखा जाए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, ठीक है, फ्लक्स हो गया बी, बी कितना है भैया, बी है 3t² इंटू ए पाई आर स्क्वायर, 4π, ये आया 4π, तो फ्लक्स कितना हो गया, ये हो गया 4t 12π और साथ में t², 12π और साथ में t², ठीक है। अब सुनो, तो चार्ज फ्लो निकालना है ना अपने को, तो dq निकालना है ना, तो वो होता है फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय आर, कब बताना है, 2 सेकंड पर बताना है ना। चलो आ जाओ, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी की जगह पे 2 सेकंड पुट करो, कितना आया, 2 2 4 12 4 48, तो 48π
माइनस फाई इनिशियल कब टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो जीरो हो जाएगा, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का लूप, लूप का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का लूप थोड़ी, लूप का रेजिस्टेंस कितना आया वो 10 ओम। तो देखो जरा कितना आया चार्ज लोन, कितना आया चार्ज लोन जो आ गया अपने पास आ गया 4.8 पाई और कूलॉम। दिस मच विल बी द चार्ज लोन इन द लूप इन 2 सेकेंड। आई होप बिल्कुल आसान सा सवाल था, तुम्हें समझ आ गया होगा ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं यार। अच्छे अच्छे सवाल तो मैं करवाना शुरू करूंगा कि हाँ यार देख अच्छा सवाल है यार, मजा आएगा एकदम, है ना। आओ समझ, चलो इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, फिर मैं थोड़ा सवालों का लेवल एकदम से बढ़ा देता हूँ, ठीक है करो। आओ बेटा देखो सुनो, और बढ़िया सवाल करते हैं, आओ देखो। तो मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए एक ये लूप है, ठीक है, ये क्या है एक लूप है, ओके, और इसके अंदर ना ऐसे करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट और साथ में टी स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साथ में टी स्क्वायर, और इसके अंदर ना एक और छोटा सा ये रहा छोटा सा लूप है, ओके। मैंने बोला कि जो अंदर वाला लूप है ना इसकी रेडियस आप मान लीजिए बी है, जो बाहर वाला लूप है ना इसकी रेडियस आप मान लीजिए ए है, ठीक है बाकी बात एकदम। तो क्या बोला गया, बोला गया कि फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन द स्मॉलर लूप, इन द स्मॉलर लूप। अब सवाल पहली बात तो ये है कि भाई स्मॉलर लूप में करंट आना क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा ये बाहर वाले लूप में करंट चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज कर रहा होगा, और फ्लक्स चेंज कर रहा होगा तो करंट तो आएगा, अरे करंट तो आएगा। अब मेरी बात सुनो जरा, करंट की दिशा क्या होगी पहले ये पता लगाएं। देखो सुनो जरा ध्यान से, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि अरे जो अंदर वाला जो ये जो लूप है, ये जो अंदर वाला लूप है इसमें जो बाहर वाला फ्लक्स है ना, देखो कैसे मैंने कैसे पता चला बाहर वाला फ्लक्स है, देखो हाथ चलाओ करंट की दिशा में, हाथ चलाओ तो मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस कर रहा है ये लूप, मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस कर रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, वो कैसा कर रहा है इंक्रीज। इंक्रीज क्यों बोला मैं, क्योंकि देखो समय के साथ साथ करंट बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना, ध्यान से देखो। तो क्या हुआ कि भाई बाहर की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, तो मुझे करंट ऐसा बहाना पड़ेगा कि वो बढ़त जो है ना बाहर वाली वो रुक जाए। तो मेरे को ये बात तो समझ आती है कि करंट जो है ना वो ऐसा बहेगा, क्लॉकवाइज बहेगा, करंट कैसा बहेगा क्लॉकवाइज बहेगा, पर कितना बहेगा जितना इस इसके लूप के एरिया जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है। अब ध्यान से देखो, तो फ्लक्स निकालो, फ्लक्स किसका निकाल रहे हो, इस छोटे वाले लूप में से पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे हो यार, तो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बिगर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बिगर लूप, किसमें से पास होना है, किसमें से पास होना है उसको, ये छोटे वाले एरिया में से पास होना है, किसमें से, ये छोटे वाले एरिया में से, है ना। तो एरिया क्या लिखा जाएगा, वो छोटा वाला एरिया लिखा जाएगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और एक लूप के वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, बोलो बोलो बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2R, कितना आता था म्यू नॉट आई बाय 2R आता था, तो लिखो म्यू नॉट और आई, आई तो ये है ही जो है, और डिवाइड बाय 2R, R मतलब इसकी रेडियस, बड़े वाले लूप की रेडियस कितनी है 2A, और साथ में एरिया किसका स्मॉलर लूप का एरिया, किसका एरिया स्मॉलर लूप का एरिया, तो साथ में पाई और साथ में बी स्क्वायर, साथ में पाई और साथ में बी स्क्वायर, सो दिस मच विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉलर लूप, पासिंग थ्रू द स्मॉलर लूप। अब क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसके लिए पहले करंट की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो करंट की वैल्यू क्या है म्यू नॉट और आई की जगह पे आई नॉट और साथ में टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2A और साथ में पाई और बी स्क्वायर, पक्की बात एकदम सोच ले। चलो आ जाओ ईएमएफ आ गई, क्या करें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, क्या करें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, 2 को मार देगा तो बचेगा कितना म्यू नॉट और साथ में आई नॉट और एक टी और पाई बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, ये आ गया अपना ईएमएफ, ये आ गया अपना ईएमएफ, और मेरे को क्या निकालना है इंड्यूस करंट निकालना है, तो करंट क्या आता है ई बाय आर, ये छोटे वाले लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर है, ऐसा मान लो सवाल में अपने को दे दिया गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर है, तो भाई साहब करंट निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। आ जाओ देखो कितना आया म्यू नॉट और साथ में आई नॉट और टी और पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए और साथ में आर, दिस मच विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन द स्मॉलर लूप, और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी बेटा क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी बेटा क्लॉकवाइज, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें अब तक की चर्चा आराम से समझ आ गई होगी यार,
कोई परेशानी तो नहीं है ना मन के अंदर? चलो इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? कर लो, आओ बेटा देखो सुनो, और बढ़िया सवाल कराता हूँ तुम्हें, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। आओ देखो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास ना एक इस तरह से एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है? इस तरह से क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है और उसके अंदर करंट बह रहा है, उसके अंदर करंट बह रहा है आई, ठीक है? और आई क्या दे रखा है आपको, आई नॉट और साथ में टी स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। फिर बोला गया कि इससे कहीं थोड़ी दूर पर, वो दूरी क्या है, वो दूरी है ए, इससे ए दूरी दूर, इससे ए दूरी दूर एक एल लेंथ का लूप है। एक क्या है, एल लेंथ का लूप है, ठीक है? क्या सवाल बोला गया अपने को, और इसका रेजिस्टेंस भी दे दिया गया, रेजिस्टेंस दे दिया गया इसका आर ओम मान लीजिए, रेजिस्टेंस क्या दिया गया इसका आर ओम मान लीजिए। और सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन द स्क्वायर लूप, इन द स्क्वायर लूप, ठीक है? स्क्वायर लूप है, उसमें आपको करंट बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। चलो भाई मैं तो कहता हूँ एक बार वीडियो को स्टॉप कर और खुद से सोच के क्या होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं तो करा ही दूंगा उसको, पर मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो को स्टॉप करके और खुद से सोचो कि देख ऐसे होना चाहिए। हिंट दे देता हूँ बेटा, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएशन करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अगर है, कॉन्स्टेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि छोटा सा एरिया मान के लूप का, उसमें फ्लक्स निकालना, उसको इंटीग्रेट करके पूरा फ्लक्स निकालना, वहां से इंड्यूस ईएमएफ आएगी, वहां से करंट आएगा, ठीक है? चलो एक बार वीडियो को स्टॉप करो और मैं कहता हूँ खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है? करो करो करो, जल्दी करो। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दो चांदनी कहाँ। आई होप तुमने करा है, करा है ना, एक बार सोच लो। देखो आओ, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। तो सबसे पहली बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सुनो जरा ध्यान से सुनना। तो मुझे पता है कि वायर के इधर वाले सारे क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ है। देखो पकड़ो इसको, वायर को, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है सारे में, अंदर की तरफ है, मतलब कि इस लूप में से जो फ्लक्स है ना वो है अंदर की तरफ, वो कैसा है अंदर की तरफ, और करंट इंक्रीज कर रहा है लगातार, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, तो जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो जो अंदर की तरफ वाला जो फ्लक्स है ना, मुझे इसको घटाना है, तो मुझे करंट कैसा बहाना पड़ेगा, ऐसा बहाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहाना पड़ेगा, क्योंकि उस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर होगा, जो कि इसका अपोज कर देगा, तो इसकी बढ़त रुक जाएगी, यही तो कहता है लेंज लो। अब बात करते हैं कि कितना आएगा वो, ठीक है? सुनो क्या अप्रोच बोली गई, बोला गया कि इस वायर से कहीं भी एक्स दूरी पर जाकर, इस वायर से कहीं भी एक्स दूरी पर जाकर और एक डीएक्स मोटी एक पट्टी मान लो, क्या मान लो, डीएक्स मोटी एक पट्टी मान लो, मैंने कहा लो भाई डीएक्स मोटी पट्टी मैंने ऐसे मान ली, ये जो मोटाई है ना पट्टी की, जो मोटाई है ये है डीएक्स, ये है डीएक्स। अब इसमें से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लो, इसमें से जो प्लस फ्लक्स जो पास होगा डीफाई, वो होगा बी इंटू इसका एरिया छोटा सा डी, भाई छोटा सा एरिया तो डी लिखा मैंने उसको, छोटा सा एरिया मतलब लेंथ इंटू छोटी सी उसकी ब्रेथ जो भी है उसकी, है ना? तो क्या लिखा अपन ने, फ्लक्स लिखा बी, बी क्या होता है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, आर क्या है यहाँ पर एक्स है, तो टू पाई एक्स, और एरिया क्या लिखा गया, एरिया लिखा गया एल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है एल है और चौड़ाई क्या है डीएक्स, तो एल इंटू डीएक्स, ये हो गया अपने पास छोटा सा फ्लक्स, ये हो गया अपने पास छोटा सा फ्लक्स। मैंने कहा ठीक भाई छोटा सा फ्लक्स है तो पूरा फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो जीरो से और फाइव तक, है ना? और एक्स कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ए से और ए प्लस एल तक, क्योंकि ना तो ए के पहले लूप है और ना ए प्लस एल के बाद लूप है, हमें तो लूप में से फ्लक्स निकालना है ना, तो लूप में फ्लक्स कहां है, ए से और ए प्लस एल तक, ए से और ए प्लस एल तक। तो जो फ्लक्स आ गया ना बेटा, फ्लक्स आया म्यू नोट आई बाय टू पाई और इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स और साथ में डीएक्स और ए से और ए प्लस एल तक की लग गई लिमिट, और ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ ए बाई बी हो जाता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एल प्लस ए प्लस एल डिवाइड बाई ए हो जाएगा, है ना? तो फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स आ गया देखो सुनो म्यू नॉट और आई की वैल्यू पुट कर दो, अब आई की वैल्यू क्या है आई नॉट और टी स्क्वायर, आई नॉट और टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टू पाई, डिवाइड बाय टू पाई, और क्या आया नेचुरल लॉग ऑफ कितना आया ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए, सो दिस मच विल बी द फ्लक्स, दिस मच विल बी द फ्लक्स। इसमें कोई परेशानी वाली बात
नहीं है, आओ देखो सन्नाटा, मजा आएगा तुम्हें। देखो तो फाई आ गया। अब ईएमएफ निकालनी पड़े तो ईएमएफ क्या होता भैया? ईएमएफ होता है डी फाई बी बाय डी टी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो, ये ऊपर से टू टू को मार देगा, अरे टू टू को मार देगा, और देखो ये एल था ना, ये एल भूल गया मैं, देखो सुनो, तो ये एल ये रहा, तो ये एल ये रहा, एल को भूलना नहीं, एल बुरा मान जाएगा, मेरे को भूल गए, ऊपर छोड़ के आ गए। देखो यहां सुनो, तो कितना आया म्यू नॉट और साथ में आई नॉट, म्यू नॉट और साथ में आई नॉट, एक टू ने एक टू को मार दिया, डिफरेंशिएट हुआ ना, तो टी बचा और एल बचा और नीचे बचा पाई, और नीचे बचा पाई, और नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज भी कह सकते हो, जो मर्जी तुम्हारी कह लो, ठीक है। तो करंट क्या आया? करंट आया ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो बेटा करंट क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा म्यू नॉट और आई नॉट और टी और एल और डिवाइड बाय पाई और साथ में रेजिस्टेंस, ये पाई आर रेडियस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऊपर क्या आया? नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एल डिवाइड बाय ए, ठीक है। दिस मच विल बी द करंट, दिस मच विल बी द करंट इंड्यूस इन दिस लूप। आसान था ना, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, थोड़ा सा गणित अपने को आना चाहिए, थोड़ा सा गणित आ गया तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम लोग कर लोगे यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है यार, कर सकते हैं ना यार, अरे फालतू थोड़ी है ऐसा कोई, यार कमेंट करके बता देना, नीचे नहीं आ रहा होगा, चाहे दोबारा पढ़ाना पड़ जाए मैं दोबारा बता दूंगा, पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। डाउट सारे के सारे क्लियर करने हैं मन के अंदर, एक भी डाउट अपने को छोड़ना नहीं है। मास्टर सामने पढ़ाने वाला, बच्चे हम पढ़ने वाले, भाई साहब पढ़ के मानेंगे एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके अंदर, पक्की बात है ना, सोच ले। चलो आ जाओ, इसका नोट करो एक बार बड़ी ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, है ना। करो, आओ बेटा देखो सुनो, एक और बढ़िया सा सवाल है, मैंने उसको लिख के रखा है तुम्हारे लिए पहले से, ठीक है। इस सवाल को नोट करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, देखो तुमसे होता है। सवाल क्या है? बोला गया कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। दैट इज केप्ट इनसाइड अ सोलेनोइड, ठीक है। एक सोलेनोइड के अंदर उसको रख दिया गया, जिसमें एन क्या है उसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और आई है उसमें बहने वाला करंट, ठीक है। और लूप को कैसे रखा गया है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। फिर सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स इन द सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड में जिस भी डायरेक्शन में पहले करंट बह रहा था, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो बोला गया कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन द लूप, ठीक है। लूप में कितना चार्ज बहेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो भाई वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो चुपचाप से, और खुद से करने का ट्राई करो एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना, आगे मत बढ़ना पहले बता रहा हूं, नहीं तो सन्नाटा हूं, मम्मी कसम है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। चलो करो जल्दी करो, मैं से आशा कर रहा हूं तुमने वीडियो को स्टॉप करा यार एक बार, है ना। ध्यान से देखो क्या सवाल है, बिल्कुल फालतू एकदम बोगस सवाल था, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से सुनो, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो पहले तो मैं तुम्हें सवाल एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से अपने पास ना कोई सोलेनोइड थी, ठीक है, और उसमें मान लीजिए किस तरह से, मान लो उसमें है ना वायर ऐसे लिपटी हुई है, ठीक है। सोलेनोइड क्या होती है? वायर लपेट देती है बस एक पाइप के ऊपर, है ना। लो भाई मैंने लपेट दिया, ये बन गई अपनी सोलेनोइड। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लपेट देता हूँ इसको, हुर हुर और हुर ऐसे है, ठीक है। इस तरह से मान लो, तो करंट कैसा बह रहा है? मान लो ऐसे बह रहा है और ऐसे यहां पर ऐसे बाहर आ गए, है ना। ऐसे करंट अंदर गया और यहां से ऐसे बाहर आ गया, मतलब ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे आ रहा है, टुचुक 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 और बाहर आ गया, ठीक है। उसमें एन क्या था? छोटा नंबर, छोटा जो एन था वो क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और बोला गया उसमें एक लूप रखा गया है बेटा। लूप कैसा रखा गया है? पैरेलल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पैरेलल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, ये लूप रखा गया है, ठीक है। ये है अपना लूप जो रखा गया है ना, ये है वो लूप, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल पैरेलल है ये लूप, ओके, ऐसे रखा गया है, ठीक है। मतलब ये सोलेनोइड का तुम्हारा साइड व्यू है ना, तो तुम लूप का भी साइड व्यू देख रहे हो। मैं यहां से देखूंगा ना जब सोलेनोइड को, तो मेरे को सोलेनोइड और लूप देखो ऐसे नजर आएंगे। मेरे लिए लूप कैसा है? ऐसा। तुम्हारे लिए लूप कैसा है? तुम्हारे लिए लूप है ऐसा, ठीक है। तुम्हारे लूप कैसा है? ऐसा है। बहुत बढ़िया भाई। उसका रेजिस्टेंस तुमको दिया गया है सवाल में, कि उसका रेजिस्टेंस और उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है उसकी कैपिटल आर और रेजिस्टेंस है उसका स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि अगर ये करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो कितना फ्लक्स बह जाएगा यार? अरे बहुत आसान है, इसमें क्या टेंशन है, ध्यान से सुनो। तो जैसा ये करंट बह रहा है ना, देखो करंट की दिशा में उंगली चलाओ, करंट की दिशा में देखो फिंगर को कर्ल करो, तो अभी फ्लक्स कैसा पास कर रहा है लूप से? फ्लक्स पास कर रहा है अभी इस तरफ का, फ्लक्स पास कर रहा है अभी इस तरफ का, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शन आई कैप है, तो ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगी,
और फ्लक्स है कितना, फ्लक्स है बी इंटू ए, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, और बी कितना आता है सोलेनोइड की वजह से म्यू नॉट एन आई, है ना, तो म्यू नॉट एन आई और साथ में पाई आर स्क्वायर, सो दिस मच इज द फ्लक्स, ठीक है। और अगर इनिशियली मैं लिखना चाहूं ना तो फ्लक्स भैया ऐसा है, कैसा है, म्यू नॉट और एन और आई और पाई आर स्क्वायर, और मुझे लिख देना चाहिए कि अभी बह रहा आई कैप में, अभी बह रहा है आई कैप में। अगर बेटा आप करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दोगे तो बेटा जो करंट, जो अपना जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो इस तरफ बहने लगेगा, फिर वो बाद में इस तरफ बहने लगेगा, और होगा तो इतना ही, है ना, ये इनिशियल है, और फाइनल कितना हो जाएगा, वो जाएगा म्यू नॉट और एन आई और पाई आर स्क्वायर और माइनस आई कैप में फिर वो फ्लक्स बहने लगेगा। और चार्ज लोन निकालना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, जो चार्ज लोन होता है डीक्यू वो तो होता ही है, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल और डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, ठीक है, ये भी माइनस का, ये माइनस का है ना, और ये भी माइनस का, तो दुगना हो जाएगा, और फाइनली माइनस के साइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो कितना आया टू और साथ में म्यू नॉट एन आई और पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। हो गया सवाल, क्या फालतू टाइम पास सवाल है यार, जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उससे छोटा आंसर है यार इसका, है ना, चार लाइन का आंसर है। अगर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है ना, बच्चे को एक शॉर्ट ट्रिक बेटा तुम्हें इसीलिए बताई थी ताकि तुम फालतू घूमो नहीं इधर उधर, ठीक है, चार्ज लोन के लिए जो ये शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बताई थी ताकि एकदम मिनट में आंसर आए, भाई साहब जे एडवांस का सवाल है, सन्नाटा हूं, ऐसा फालतू टाइम पास सवाल नहीं है वो, बोल दिया था मैंने ऐसे, आना तो बोलो यार, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले बता देते ना जे एडवांस का सवाल है, कई बच्चे पेन छोड़ के बैठ जाते, आउट ऑफ कोर्स सर मैं नहीं कर रहा सर, आउट ऑफ कोर्स है ये तो, अरे आना तो बोल, आसान सवाल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई, पहले फ्लक्स इस डायरेक्शन में था, करंट चेंज करते इस डायरेक्शन में हो गया, है ना, बस हो गया लो खत्म, क्या बताऊं उसमें, आया नहीं आया, खाना तो बोल दे, पक्की बात एकदम, चलो इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, उसके बाद में और बढ़िया बढ़िया सवाल कराता हूं तुम्हें, ठीक है, कर लो एक बार, आओ बेटा देखो सुनो, एक और बढ़िया सवाल कराता हूं, एक्चुअली तुम्हें सवाल नहीं, मैं वो स्टाइल बताता हूँ जिस स्टाइल से वो सवाल बनता है, ठीक है, एक पूरी की पूरी स्टाइल है, मैं आपको जर्नलाइज करके दिखाता हूँ कि देख बेटा ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है, अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से देखना एक बार, सुनो, तो बोला गया कि बेटा मान लीजिए एक ये अपने पास ऐसे रिंग है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, एक ऐसे रिंग है, ठीक है, और रिंग की अपने को रेडियस दे दी गई आर वन है, कैसी रेडियस है आर वन है, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया आर वन है तो है, मैं क्या करूं, और क्या बोला, और क्या बोला, बोला इसकी जो एक्सिस है ना रिंग की जो एक्सिस है ना, रिंग की एक्सिस के ऊपर एक और रिंग ऐसे रखी गई, छोटी रिंग है ये, ऐसे रखी गई है, ठीक है, और इसकी रेडियस अपने को दे दी गई, इसकी रेडियस मान लो R2 है, इसकी रेडियस क्या बोली गई, बोला गया R2 है, बोला गया इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है ना वो है N1, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो है N2, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R2 ओम, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और इसमें जो बहुत बढ़िया भाई, इसके बाद क्या बोला गया, इनके बीच की जो दूरी है ना वो है डी, वो है डी, और ये बड़ी वाली जो रिंग है, और ये जो बड़ी वाली रिंग है बोला गया इसमें कुछ भी ऐसे मान लो करंट बह रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स फंक्शन ऑफ टी ऐसे, ठीक है, कुछ भी फंक्शन ऑफ टी इसके अंदर बह रहा है, ठीक है, तुमको सवाल क्या बोला गया, अगर मैं इसको पहली रिंग बोल दूं, इसको अगर दूसरी रिंग बोल दूं, तो सवाल क्या बोला गया कि फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन सेकेंड लूप बोल लो रिंग बोल लो बात तो एक ही है ना, ऐसा सवाल बोला गया, ठीक है, चलो एक बार मैं चाहता हूँ तुम लोग बेटा खुद से अटेम्प्ट करो एक बार इसको, ठीक है, फिर मैं कराता हूँ, एक बार करो जरा, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता, करो, चलो मैं सी आशा कर रहा हूँ एक बार तुमने करा होगा। अब बेटा मेरी बात सुनना, तो इसके अंदर भाई क्यों आना चाहिए, इसके अंदर मतलब करंट क्यों आना चाहिए, तो क्या लॉजिक दिया गया कि भाई इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से पास करेगा, मतलब इसमें से फ्लक्स पास कर रहा है, मैंने कहा हाँ भाई फ्लक्स तो पास कर रहा है, और भाई करंट इसमें चेंज हो रहा है लगातार, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो वो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आ रहा है यार, है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आ रहा है, बस वही करंट पूछा आपने से, अच्छा मैंने कहा ठीक है, मतलब इसमें से फ्लक्स निकालना है, मैंने कहा हाँ इसमें से फ्लक्स निकालना है, मतलब कि अपने को फ्लक्स निकालना है सेकंड रिंग में से, अपने को फ्लक्स निकालना है सेकंड रिंग में से, वो रिंग एक ही है, लूप एक ही है या बहुत सारे टर्न है उसके अंदर, टर्न है ना, कितने टर्न है, N2 टर्न है, तो जो भी फ्लक्स आप लिखोगे उसको N2 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि रिंग एक नहीं है, रिंग है N2 रिंग है, एक ही जगह पर रखी हुई N2 रिंग है, और फ्लक्स क्या होता है B into A, पर मैग्नेटिक फील्ड किसका, अरे भाई इस रिंग का, इसी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस रिंग का, मैग्नेटिक फील्ड पहली रिंग का, और एरिया किसका, एरिया दूसरी रिंग का,
अरे भाई साहब, एरिया दूसरी रिंग का हो गया सवाल। अब बस ये बी आपको लिखना आना चाहिए। बेटा किसी भी रिंग की जो एक्सिस होती है उस एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो लिखा जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, बस हो गया आपका सवाल, चिपका दो उसको ध्यान से। तो फाइव टू कितना आया, फाइव टू आया भाई साहब एन टू इंटू बी वन। अब देखो ये एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन वन, तो एन वन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिख दो म्यू नॉट और आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आई नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जो उसके अंदर बह रहा है। ठीक है, साथ में आर वन का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर और ऊपर कौन सी टर्म है एरिया ए टू, इसका एरिया कितना पाई और आर टू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है टू और आर वन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पावर आई 3/2। ठीक है, सो दिस मच इज द फ्लक्स, दिस मच इज द फ्लक्स। अब जब आपने फ्लक्स निकाल लिया तो ईएमएफ निकालने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, ईएमएफ निकालने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी करंट का फंक्शन दे रखा हो, जैसे मैंने यहां पर दे नहीं रखा था, मैं तो आपको जर्नलाइज करवा रहा हूं, तो वो तो देगा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगी। फिर वहां से करंट अगर निकालना पड़ जाए तो करंट क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, वो आ जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप टू, रेजिस्टेंस ऑफ लूप टू। बस हो गया काम, बोलो कर सकते नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टाइल है ये। बहुत सारे डेटा वेटा चेंज करा के फालतू, एक मीटर दो मीटर पांच मीटर पांच टिकला ये सवाल करा लेता है यार, उसमें कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ ना, तो बोल दे यार, तेरा कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, कंसेप्ट सिर्फ यही है, कंसेप्ट सिर्फ यही है। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना भाई साहब, उसके बाद ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तेरा सवाल रोक दे यार बनने से। बोल मेरी बात समझ आई है, पक्की बात एकदम, बिल्कुल परेशान नहीं हो ना यार, मैं हूं ना यहाँ पे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुझे दिक्कत आए मेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे, जैसा तेरा मन वैसा सवाल पूछ भाई साहब, पूछ पर मन लगा के सवाल पूछ एकदम, पक्की बात है, सोच ले अच्छे से एकदम। चलो इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, करो आ जाओ, देखो और सवाल करते हैं, मजा आएगा। देखो तो मैंने बोला कि मान लो अपने पास फिर से इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई मेरे को। अच्छा ठीक भाई, थचक पुचक थचक पुचक, अच्छा ओके। देखो उसके अंदर मैंने बोला कि मान लो इस तरह से एक लूप है, ठीक है, उस लूप की जो रेडियस है ना बेटा, बोला गया रेडियस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नॉट टी स्क्वायर प्लस सम आर नॉट। ठीक है, इस तरह से इसकी रेडियस दी गई। उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया आर ओम, रेजिस्टेंस दे दिया गया आर ओम, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया बी, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया बी। फिर से सवाल पूछा गया, फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन द लूप, इन द लूप। ठीक है, लूप में बताओ भाई कितना करंट प्रोड्यूस होगा। मुझे पता है एरिया चेंज हो रहा है, देखो रेडियस चेंज हो रही है, इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ, ईएमएफ मतलब करंट है भाई साहब। इसमें कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आओ देखो, चलो निकाल दो, वीडियो को स्टॉप करो, चुपचाप से खुद से करो एक बार, आ जाओ। मैं इसी आशा करता हूँ एक बार खुद से ट्राई करा तुमने एक बार, है ना, आ जाओ। देखो फालतू टाइम पास सवाल, इसमें कुछ भी नहीं, देखो यहाँ देखो। तो भाई साहब जो फ्लक्स लिखा गया मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या लिखा गया बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया B इंटू ए मतलब पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब के आर नॉट टी स्क्वायर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं भाई साहब, बात समझ आ गई, ये आ गया अपने पास फ्लक्स आ गया। अब अगर अपने को ईएमएफ निकालनी है तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बी बाय डी टी, है ना, तो ये आ गई ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दो यार इसको, तो कितना आया देखो, ये आ जाएगा टू और बी और पाई, पहले तो आएगा आर नॉट टी स्क्वायर प्लस आर नॉट और फिर ब्रैकेट के अंदर का करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू और आर नॉट और साथ में टी, है ना, दिस मच विल बी द ईएमएफ, दिस मच विल बी द ईएमएफ, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख देते हैं, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा दो और दो चार और ये हो जाएगा अपना, देखो आर नॉट कॉमन आ रहा है तो आर नॉट कॉमन आ गया और साथ में हुआ है एक बी और साथ में हुआ एक पाई और साथ में हुआ अंदर टी स्क्वायर प्लस वन और साथ में टी। ठीक है, दिस मच विल बी द ईएमएफ। अब ईएमएफ आ गया तो लो करंट आ गया भाई साहब, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके लिख दो, क्या बताऊं उसमें, लो फोर आर नॉट, फोर आर नॉट और बी पाई और क्या आया टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी और डिवाइड बाय छोटा। ठीक है,
दिस मच विल बी द इंड्यूस्ड करंट, दिस मच विल बी द इंड्यूस्ड करंट। अच्छा करंट की डायरेक्शन बताओ मेरे को, डायरेक्शन क्या है? सुनो, अगर एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स कौन सा, अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, और मुझे इस बढ़त को ही रोकना है, तो करंट कैसा आएगा भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता हीच नहीं है भाई यार, क्या परेशान होना इसके अंदर, है ना। आओ सुनो, इसको नोट करो एक बार फटाफट से, फिर घर तक मैं और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, कर लो एक बार। अब स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और थोड़े नए तरीके सवाल करते हैं आप, ठीक है। देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया, बोला गया कि मान लीजिए ये बेटा एक बाउंड्री है, ठीक है, और इस बाउंड्री के इस तरफ में ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, है तो है, मैं क्या करूं, और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा, बी नॉट है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई। फिर बोला गया कि बेटा एक लूप है, जो लूप ना स्क्वायर लूप है, कैसा लूप है, स्क्वायर लूप है, उसकी जो लेंथ है वो है एल, उसकी जो लेंथ है वो है एल, और बोला गया कि वो वी वेलोसिटी से इसके अंदर ऐसे घुस रहा है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस आप लोगों को दिया गया कि आर ओम मान लीजिए, रेजिस्टेंस क्या मान लीजिए, आर ओम मान लीजिए। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। क्या बोला गया कि फाइंड फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और टाइम की लिमिट क्या दे रखी है, टाइम की इंटरवल क्या, जीरो से टाइम लेकर और कहां तक जा रहा है, एल बाय वी तक। इस दौरान ऐसा क्यों दिया, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल में ऐसा बोला गया था कि फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी फॉर दिस टाइम इंटरवल इन द लूप, इन द लूप। चलो भाई एक बार वीडियो को चुपचाप से यहीं पर स्टॉप करो, खुद से सोचो कि भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हैं सर, क्या सवाल है, ठीक है। खुद से स्टॉप करके एक बार देखो जरा, किसी भी जर्नल टाइम टी पर आपको बताना है कि करंट क्या होएगा, ठीक है, बताओ। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। हुआ तुमसे, आओ देखो सुनो मैं बताता हूं, देखना तुम्हें मजा आएगा। बेटा ध्यान से देखें तो जब ये लूप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के जब अंदर एंटर कर रहा है, देखो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है, देखो डेफिनेशन क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक भाई फ्लक्स ये होता है बी ए कॉस थीटा, हालांकि यहां पर मुझे बी इंटू ए लिखना चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। तो बी ए कॉस थीटा, मैंने कहा ठीक भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है कॉन्स्टेंट, और ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द लूप इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ए इज द एरिया ऑफ द लूप इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे ये लूप अंदर एंटर कर रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट तो आना चाहिए भाई साहब, अरे करंट तो आना चाहिए, करंट की दिशा बताओ। देखो जरा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या पाया कि अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, और मुझे इस बढ़त को ही रोकना है, तो मैं करंट कैसा बहा दूं, एंटी क्लॉकवाइज बहा दूं। कैसा बहा दूं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो करंट बहेगा वो बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब कितना बहेगा ये बात बता देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि मान लो किसी भी टाइम टी पर, किसी भी जर्नल टाइम टी पर ये जो लूप के अंदर ये कितना घुस चुका होगा, तुम बताओ भाई। वी रफ्तार से चल रहा है, वी रफ्तार से चल रहा है, तो कितना अंदर घुस गया होगा किसी भी टाइम टी पर, वी टी अंदर घुस गया होगा। अरे एक्स इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो मतलब कि इतनी लेंथ जो है वो किसी जर्नल टाइम टी पर ये घुस चुका होगा। तो कितना एरिया अंदर है, इतना एरिया अंदर है, इतना एरिया अंदर है। तो जो फ्लक्स लिखा गया, फ्लक्स क्या लिखा गया, बी इंटू ए, थीटा नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, ध्यान से देखो। तो बी कितना, बी नॉट, और एरिया कितना, लूप का वो एरिया, लूप का वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया है बोलो, वी टी इंटू एल, अरे लंबाई गुणा चौड़ाई छन्नाटो, वी टी इंटू एल एरिया आ गया। अब क्या था, अब क्या था, अब तो हो गया, अरे भाई साहब ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, तो टी ने टी को मार दिया भाई साहब, बी नॉट इंटू वी इंटू एल। बेटा जानते हो ये जो ई एम एफ आई ना, इस ई एम एफ को मोशनल ई एम एफ बोलते हैं, इमोशनल ई एम एफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मोशनल ई एम एफ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोशनल ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ, मतलब कि लूप के चलने की वजह से जो ई एम एफ आई है उसे बोला जा रहा है क्या, मोशनल ई एम एफ। इसके बाद जो अगली जो चर्चा रहेगी ना, फैराडे लॉ के बाद जो अगली चर्चा रहेगी वो मेरी आप लोगों के साथ मोशनल ई एम एफ की रहेगी भाई साहब, एक अच्छी खासी चर्चा करेंगे, जबरदस्त सवाल आते हैं मोशनल ईएमएफ के ऊपर, बाकी अभी मैं इसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूं ज्यादा, ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। तो करंट क्या आ गया, इंड्यूस करंट क्या आ गया, ये क्या आ गया, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, तो क्या आ गया,
बी नॉट इंटू वी इंटू एल और डिवाइड बाय आर, ठीक है, दिस मच विल बी द इंड्यूस्ड करंट। खाना तो बोल दे यार, दिस मच विल बी द इंड्यूस्ड करंट, बी नॉट बी एल डिवाइड बाय आर। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस लूप को देखो मैं ऐसे मूव करा रहा हूं तो करंट तो आ रहा है, अच्छा इस लूप को अगर ऐसे मूव कराता तो, ऐसे मूव कराता तो, इसको लेके हुई हुई ऐसे मूव कराता तो कोई करंट नहीं आता, क्योंकि चेंज ही नहीं होता ना फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई करंट आने वाला नहीं है ना। चलो इसको नोट करो एक बार, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है करो। आओ बेटा सुनो, एक और धासु सवाल कराता हूं मैं तुम्हें एकदम, है ना जबरदस्त सवाल कराता हूं, सुनना जरा ध्यान से, मजा आ जाएगा तुम एकदम, है ना आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारी। मैंने बोला कि मान लो सर, एक तो जब आप ये बोलते हो ना सर आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, हम पहली पेन छोड़ देते हैं, पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ करने वाले हो आप, ऐसा है क्या? अरे खाना तो बोल दो यार, ऐसा नहीं है ना। अच्छा सवाल कराऊंगा, मजा आएगा देखो तुम्हें, सुनो। तो बोला गया कि ये ना एक बाउंड्री है, ठीक है, और बाउंड्री के इधर ऐसे ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, मजेदार। आओ सुनो, तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, और बोला गया कि बेटा एक है ना डिस्क है, क्या है, एक डिस्क है, डिस्क आधी डिस्क है, सेमी डिस्क, ठीक है, ये है अपनी सेमी डिस्क, ठीक है सेमी डिस्क है ये। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और ये सेमी डिस्क को ना मैंने बिल्कुल बीच में यहां हिंज कर दिया, क्या कर दिया, हिंज कर दिया, ऐसे कीला गाड़ दिया, ऐसे कीला गाड़ दिया, अभी डिस्क चल नहीं सकती, अभी डिस्क बस घूम सकती है, डुई 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 घूम सकती है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और इसकी रेडियस आप लोगों को दे दी गई कि रेडियस है इसकी कैपिटल आर, रेडियस है इसकी कैपिटल आर। मैंने कहा ठीक भाई, और इसका रेजिस्टेंस भी आप लोगों को दे दिया गया कि वो है छोटा आर, वो है छोटा आर ओम। और बोला गया कि बेटा ये जो डिस्क है ना ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, किससे रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, किससे रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। तब सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट, सवाल सुनना ध्यान से, फाइंड आउट द ग्राफ, फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, करंट और टाइम के बीच में आपको रिलेशन बताना है, करंट और टाइम के बीच में आपको ग्राफ बताना है कैसा है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल दोगे तो ग्राफ तो आ ही जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेसिकली करंट ही निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो एक बार वीडियो को स्टॉप करो, खुद से करने का ट्राई करो, देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है, एक बार है ना करो। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं एक बार आपने खुद से ट्राई जरूर किया होगा। बेटा पहली बात तो कि करंट आना क्यों चाहिए भाई इसके अंदर, इसके अंदर क्यों करंट आना चाहिए। फिर मैंने बताया बच्चे को, देख बेटा ध्यान सुन, तो जब ये रोटेट करके जब ये अंदर जाएगी, मैंने बोला मान लो कौन से से बनाऊं इससे बनाता हूं, मैंने बोला मान लो कि रोटेट करके ना ये थोड़ा सा अंदर चली गई, ठीक है अभी यहां आ गई है, ठीक है अभी यहां है, ऐसे हो गई है रोटेट करके, देखना सुनना ऐसे हो गई है रोटेट करके, ऐसे हो गई, ठीक है। तो इतना एरिया जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है कि नहीं बढ़ाया, हाँ एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा है भाई साहब। मैंने बोला मान लो कि ये थीटा अंदर चली गई, कितना अंदर चली गई, थीटा अंदर चली गई, तो थीटा अंदर चली गई तो इसका मतलब कि अंदर गई है तो एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ा है तो फ्लक्स बढ़ा है, फ्लक्स बढ़ा है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो इंड्यूस करंट तो आएगा ही ना आएगा यार, हाँ ना तो बोल दे यार पक्की बात एकदम। मैंने कहा ठीक भाई तो इंड्यूस करंट तो आएगा, तो इंड्यूस करंट कैसे निकालू यार, इंड्यूस करंट मेरे को तो ये पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए, वो होता है बी इंटू ए। अब किसी भी टाइम टी पर अगर ये थीटा रोटेट कर गया हो तो एरिया कैसे निकालू, अब मेरे को थोड़ा बड़ा ये दिक्कत लग रही थी यार। फिर मैंने देखा कि मान लो ओमेगा से अगर ये रोटेट कर रही है तो मैं ये बात जानता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा बाय टी, तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी। अच्छा मतलब कि इतना पोर्शन, इतना थीटा अंदर है। अब ध्यान से सुन, तो जो पाई, देखो ये एंगल कितना था, यहां से आता कि पाई एंगल था ना, तो देखो पाई एंगल के लिए जो एरिया है वो कितना है, पाई एंगल के लिए जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर बाय टू, वो है पाई आर स्क्वायर बाय टू। हाँ ना तो बोल यार, देख यहां से लेकर ये एंगल, ये लाइन, ये कितना है पाई एंगल है ना, उसमें एरिया कितना कवर हो रहा है, पाई आर स्क्वायर बाय टू। तो यूनिट एंगल में कितना, पाई आर स्क्वायर बाय टू इंटू पाई, पाई ने पाई को मार दिया, और अपना एंगल कितना है, अपना एंगल है थीटा, तो थीटा के लिए एरिया कितना आया, वो आया आर स्क्वायर बाय टू इंटू थीटा। मतलब कि एरिया, एरिया कितना आया बेटा, यह आया आर स्क्वायर थीटा बाय टू। बेटा इसको एरिया ऑफ सेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर भी बोलते हैं इसको, एरिया
ऑफ सेक्टर। कई बार मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो सीधा फॉर्मूला याद करवाया जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर याद कर लो, थीटा आर स्क्वायर थीटा बाय टू। अबे रटना क्या है, देख नॉर्मल सी बात है ना, सेक्टर मतलब क्या, ये जो ये येलो से दिखाया ना मैंने, ये एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है, कितना आर स्क्वायर थीटा बाय टू है ना, और थीटा कितना है ओमेगा टी है ना। चलो आ जाओ देखो, तो फ्लक्स आ गया मेरे पास है ना, फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स आया बी, और एरिया, एरिया कितना है आर स्क्वायर थीटा बाय टू, इसका मतलब कि बी और आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे बोलो ओमेगा टी और डिवाइड बाय टू, और बी की जगह पे क्या लिखना है, बी नॉट है ना, तो बी नॉट कर देते हैं उसको ठीक है। तो फाइव फाइनल क्या आ गया, ये आ गया बी नॉट और आर स्क्वायर ओमेगा टी बाय टू। अब क्या निकालनी है, अब तो ईएमएफ निकालनी है, ईएमएफ निकालने के लिए क्या करें, टाइम से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें है ना, तो डी फाई बाय डी टी, तो कितना आया टी खत्म हो जाएगा और बी नॉट और आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू, तो जो करंट आ गया बेटा वो आता है ई बाय इसका रेजिस्टेंस, तो बी नॉट और आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू और ये आर है ना, दिस विल बी द करंट, दिस विल बी द करंट। अब बोला सवाल में देखो क्या बोला था, सवाल में बोला था करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, उसका ग्राफ बनाओ। अब मैं सोच में पड़ गया, आंसर तो निकाल लिया मैंने, आंसर तो निकाल लिया, उसमें क्या है, अब मैं सोच में पड़ गया कि यार ये पूछ रहा है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का रेशियो बताओ, बताओ ग्राफ ग्राफ बताओ, यहां सुसरा टाइम दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहा यार ये तो यार बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मैंने कहा यार दिख नहीं रहा, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया सुन ध्यान से देख, तो जैसे जैसे ये अंदर एंटर कर रहा है तो घूम के देखो, ऐसे घूम के जब ये पूरा आ जाएगा तो मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा था। हाँ मैंने कहा ठीक है, एरिया इंक्रीज कर रहा था मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, मैंने कहा ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था मतलब करंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रही होगी, मैंने कहा भड़ में जाएगी, जो भी डायरेक्शन थी ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद सुन, उसके बाद जब पलट के पीछे आ गई और फिर जब और घूमी तो एरिया जो है ना वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने लगा, मैंने कहा हाँ अबे आधी साइकिल के बाद तो, अबे आधी साइकिल के बाद तो ये लूप बाहर आने लगेगा, अबे तो बाहर आने लगेगा तो मतलब एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का, हाँ एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, पहले फ्लक्स बढ़ रहा था तो करंट की कोई डायरेक्शन थी, अब फ्लक्स घट रहा है तो करंट की कोई और डायरेक्शन होगी ना बे, करंट की डायरेक्शन तो बदल जाएगी ना, हाँ तो करंट की डायरेक्शन कितनी देर बाद बदली भाई, कितनी देर बाद बदली, ऐसे बदली, ऐसे करके फिर बदली, मतलब कितनी देर बाद बदली भाई, एक साइकिल पूरा होने में लगता है टू पाई बाय टी, तो ये तो आधी साइकिल के बाद बदल गया यार, अरे हाँ ना तो बोल, ये तो आधी साइकिल के बाद बदल गया, मतलब कि पाई बाई टी के बाद बदल जाता है। हाँ मेरे को बात समझ आई, कैसे भाई, पूरा जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी पूरे साइकिल के लिए, और आधी साइकिल के बाद वैल्यू चेंज करें करंट की, ध्यान से देखो, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसे प्लॉट किया गया, ऐसे प्लॉट किया गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और ये टाइम टी, कि भैया करंट की वैल्यू है कॉन्स्टेंट, करंट की वैल्यू है कॉन्स्टेंट, कितनी है ये है आई, आई समझ जाना यहाँ पर ग्राफ में जगह नहीं है। उसके बाद क्या बोला के, उसके बाद क्या बोला के, कहां गया कहां गया, पाई बाय टी के बाद जो है ना वैल्यू बदल जाती है, पाई बाय टी के बाद वैल्यू बदल जाती है, उसके बाद टू पाई बाय टी के बाद पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा बोलना चाहिए ना मुझे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पाई बाय ओमेगा और ये क्या जाएगा टू पाई बाय ओमेगा, उसके बाद फिर से वैल्यू बदल जाती है ना, एंड सो ऑन। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और वहां पर ये जो आई है ना ऊपर नीचे जो आई है, आई की वैल्यू तुम लोग जानते ही हो, आई की वैल्यू कितनी है देखो जरा यहाँ पर, ये है बी नॉट और आर स्क्वायर और ओमेगा और डिवाइड बाय स्मॉल आर, ऊपर भी और नीचे भी ठीक है, उसको लिख लेना अच्छे से, यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी सी है ना, तो दैट्स हाउ आई विल प्लॉट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है ना। करंट का मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है बेटा, पर उसकी डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, मेरी बात समझ आ रही है ना, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है ना। देखो टू पाई बाय टी दिस इज द कंप्लीट पीरियड, ओमेगा है ना, तो टी क्या लिखा जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय ओमेगा है ना, तो ये उसका कंप्लीट पीरियड है, पर हर एक हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, तो पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, फिर क्या आएगा 3 पाई बाय ओमेगा है ना, तो इस तरह से जो करंट है वो अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है एक निश्चित टाइम के बाद है ना, सो दैट्स हाउ यू प्लॉट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। आना तो बोलो, ये सब कुछ निकल गया ऊपर से ही सर, यहां टच करते करते निकला है सर, ऐसे घुसा तो नहीं पर ऊपर से भी नहीं गया सर, टच करता करता गया है सर, टच करता करता जाए तू भी बता देना नीचे मुझे, और अगर ये यहां तक तुम लोग आए हो ना पक्का से तुम्हें यार सब कुछ समझ आ रहा होगा यार है ना, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार है ना, लाइक करते हो अच्छा लगता है मुझे भी अंदर से, नीचे कमेंट करके बताना सर कि सर पढ़ाए हो समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताना, जो तुम्हारे मन में है लिख देना नीचे, अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पढ़ गए एकदम है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार ठीक है, चलो।
इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, एक और जानदार सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? करो जरा एक बार नोट करो, इसको अच्छे से करो। सुनो, एक और बढ़िया सा सारा सवाल कराता हूँ तुम्हें, बढ़िया जबरदस्त सवाल कराता हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टॉप करेंगे, ठीक है? देखो जरा सुनो, तो बोला गया कि इस तरह से मान लीजिए बेटा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड है तो है, मैं क्या करूं, बहुत बढ़िया जानदार। ओके स्लो, टुपक 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 टुपक। उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक लूप को ना ऐसे रख दिया, मैंने एक लूप को ऐसे रख दिया, लूप की जो रेडियस है आर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है छोटा आर ओम, लाइक ऑलवेज जैसा मैं करता हूं, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे दिया गया बी है, मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे दिया गया बी है। सुनो एक सवाल तो ओरल कराता हूं, सुन। मैंने बोला कि मान लो इस लूप को ना अपन ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे उई 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 ऐसे घुमा रहे हैं। सवाल बोला कि बताओ इसके अंदर करंट कितना आएगा, तू बोल ओरल बोल कितना आएगा करंट। अरे करंट आएगा ही नहीं, करंट होगा जीरो, करंट होगा जीरो, क्योंकि कोई ईएमएफ ही नहीं आएगी। ईएमएफ कब आती है, जब फ्लक्स चेंज होता है, इज इक्वल टू डीफाई बाय डीटी, इज इक्वल टू डीफाई बाय डीटी। तो जब आप इस लूप को ऐसे घुमा रहे हो, क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं। क्या मैग्नेटिक चेंज हो रहा है क्या, नहीं। क्या एरिया ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल चेंज हो रहा है क्या, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ ही नहीं है, ईएमएफ तो करंट ही नहीं है भाई साहब, बात समझ आई। ये वाला सवाल मैं नहीं करा रहा, ठीक है? सवाल सुनो, सवाल क्या बोला गया, सवाल ऐसे नहीं बोला, सवाल बोला अच्छा थोड़ा सा, ठीक है? क्या सवाल बोला सुनो, कर दोगे तुम इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोला कि इस लूप को ना ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से, इस लूप को ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से। सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन द लूप, इन द लूप। आसान सवाल है भाई साहब, बिल्कुल गलत नहीं करना एकदम, ठीक है? चलो कर दो फटाफट से वीडियो को स्टॉप करो, खुद से कर सकते हो तुम इस सवाल को, कोई मुश्किल नहीं है इस सवाल के अंदर, कर दो जल्दी कर दो। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोग आंसर निकाल के बैठ गए चुपचाप, है ना? अब देख, सुन ध्यान से देख। तो बेसिकली इस लूप को जब आप ओमेगा से घुमा रहे हो तो लूप का एरिया चेंज नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, पर एरिया वेक्टर देखो, लूप अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर है यहां पर, तो जैसे आपने लूप को चेंज करा एरिया वेक्टर भी आ गया यहां पर। तो अगर लूप थीटा से रोटेट करा तो एरिया वेक्टर भी थीटा से रोटेट करेगा, है कि नहीं? तो फ्लक्स कितना आएगा, सुनो फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, बी ए कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा, बी ए कॉस थीटा। और मैं जानता हूं किसी भी टाइम टी पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पुट कर दो ऊपर, तो जो फाई आएगा वो आएगा बी ए और कॉस ओमेगा टी, है ना? दिस मच विल बी द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? किसी टाइम टी पर, एट सम टाइम टी, तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, डी फाई बी बाय डी टी। आसान है बिल्कुल एकदम, चलो कर दो। तो ईएमएफ कितना आया, ये आया, माइनस से मेरा कोई मतलब नहीं है यहां पर, है ना? माइनस आ भी रहा है तो मेरा कोई मतलब नहीं है, तो कितना आया, बी ए और साइन और ओमेगा टी, और कितना आया आगे, ओमेगा आ गया और खत्म, बस इतना ही आया, है कि नहीं? तो कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, तो ये आ गया अपने पास इतना ईएमएफ आ गया। और अगर करंट निकालना पड़े तो क्या होगा, ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, तो क्या आया, बी ए ओमेगा बाय आर और साथ में आया साइन ओमेगा टी, है ना? दिस मच विल बी द करंट इंड्यूस, दिस मच विल बी द करंट इंड्यूस। अब बेटा ध्यान से देखें, तो बी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है और आर कॉन्स्टेंट है। तो बेटा पूरी टर्म को, कांस्टेंट को मैं कुछ बोल देता हूँ आई नॉट है, मान लो क्या है आई नॉट। तो आप देखें आपके पास जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन है कुछ ऐसी, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी। बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, ठीक है? अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है ये। जब मैं आपके साथ एसी वाला जब चैप्टर शुरू करूंगा ना, तो यहीं से शुरू करूंगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रख दिया, मैंने कहा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रख के जब आप घुमा रहे हो ना, तो क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। तो बेसिकली पावर जनरेशन हो रही है यार, अरे जनरेटर यही तो है, जनरेटर की थ्योरी यही है सब जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कि लूप घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो करंट आ रहा है, देख करंट आ रहा है भाई साहब, ये जनरेटर की थ्योरी हो गई। अब लूप को कैसे घुमाऊं भाई साहब, लूप को चाहे तो मोटर लगा के घुमा लो, है मोटर लगा के, सर मोटर किसी से लगी, बिजली से, सर बिजली से मोटर घुमाई उससे पैदा क्या हुई, बिजली। अरे यार जनरेटर में क्या होता है, आप फ्यूल डालते हो, पेट्रोल डालते हो या वो डालते हो डीजल वगैरह डालते हो, तो क्या होता है, उसकी केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी से लूप घुमाया जाता है। केमिकल एनर्जी को जो मोटर होती है वो किसमें बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मैकेनिकल एनर्जी से लूप घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी। तो बेसिकली जनरेटर में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हो,
ऐसे विंड वगैरह का, जो विंड मिल वगैरह होती है उसमें ये लूप सीधा घुमाया जाता है, तो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल से क्या बनता है, पानी गर्म करता है, पानी गर्म करने से भाप बनती है, भाप को इस लूप पे गिरा के लूप को घुमाते हैं, लूप घुमा तो फिर से एनर्जी पैदा हो गई, तो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया। कोयला जलाया, कोयला जला के भाप बनाई, भाप इस पे गिराई, लूप घुमाया, भाई साहब फिर एनर्जी बदल गई है ना, तो फिर से क्या बना, फिर से केमिकल एनर्जी को क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल दिया। ऐसे करते रहो भाई साहब, बहुत सारा एकदम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं। आई होप तुम्हें बात समझ आई होगी यार, आज की चर्चा एकदम ढंग से समझ आई होगी। एसी जब शुरू करूंगा तो यहीं से करूंगा। अब सुनो, शुरू में लूप था बिल्कुल ऐसा है ना, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना था, 0 डिग्री था। तुम अंदर मान लो तो 0 डिग्री हो जाएगा, बाहर मान लो तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर शुरू में ही 0 डिग्री था ना, तो थीटा घुमा कुछ टी टाइम में, तो आंसर आया ओमेगा टी है ना। और अगर शुरू में मान लो लूप कुछ एंगल बना रहा होता, मान लो 30 डिग्री वगैरह कुछ बना रहा होता है ना, तो साइड में फिर यहाँ पर कितनी इक्वेशन आती, इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन और ओमेगा टी प्लस 30 है ना। जो भी इनिशियल एंगल होता वो उसमें जुड़ जाता, वेव में एस एच एम में आपको पढ़ाया गया था 11वीं में अच्छे ढंग से, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें आज की चर्चा से समझ आई होगी यार, और समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बड़े ढंग से तैयारी कर पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके चलो, बाय बाय, टाटा।